तो देखो, of तो मैंने क्या बोला साइको मीन यहाँ पे मन के ऊपर हो सकता है तो आप बोल सकते तो हो साइकोसोशल सोशियल मीन्स तो सामाजिक हो गया साइकोमीन्स ये थोड़े इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आए जो संज्ञानात्मक और संज्ञात्मक संज्ञानात्मक और संज्ञात्मक विकास तथा सामाजिक विकास तो इसके ऊपर एरिक्शन एरिक्शन जो एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या अपना थ्योरी मेंशन किया उसको हम मेंशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इंट्रोडक्शन देते हैं वो इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पे याद रखिएगा थ्योरी में आपको डेफिनेशन लिखना नहीं पड़ता है बिकॉज कंसेप्ट जिनका है उनका कंसेप्ट लिख दे तो उसी के अंदर डेफिनेशनस भी आ जाते हैं थ्योरी के लिए याद रखना है कहीं पर भी आपको डेफिनेशन मैंशन नहीं करना Right, Eventually. So, introduction, Addiction theory of psychosocial development is one of the best known theories of personality in psychology. Agar psychology, which uh, manovigyan. होता है ना मनोविज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज आपके इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू और संज्ञानात्मक विकास को अगर दिखाना हो तो उसके लिए भी रिसर्च होते बहुत सारे उस रिसर्च में इंसानों के हम कौन से चीज के ऊपर ज़्यादा देखते हैं या एग्जामिन करते हैं दैट इज पर्सनैलिटी तो पर्सनैलिटी के बेस्ड पे अगर हम थ्योरीज को देखते हैं अभी थ्योरीज तो बहुत सारे हैं तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी होता है एडिक्शन का थ्योरी ठीक है एरिक्शन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट ये एक सबसे इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट नोन थ्योरीज है सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट भी एरिक्शन है उनके थ्योरी भी सबसे इम्पोर्टेंट है अभी क्वेश्चन अगर घुमा के आता डायरेक्ट क्वेश्चन <coughs> तो आता ही है कि यरिक्शन थ्योरी ऑफ साइको डेवलपमेंट के बारे में लिखो अदरवाइज क्वेश्चन अगर आया दाइकोसोशियल नहीं लिखे यहाँ पे सोशियो इमोशनल आ गया या फिर ओनली इमोशनल डेवलपमेंट आ गया या ओनली सोशियल डेवलपमेंट आ गया तो आप क्या लिखोगे सेम आंसर लिखना है ठीक है सेम आंसर लिखना है आपको सो so, उसके लिए कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगा इंट्रोडक्शन <coughs> <Introduction> देना है इंट्रोडक्शन <coughs> में अभी क्या लिखेंगे एरिक्शन बिलीव दैट पर्सनालिटी डेवलप्स इन सीरीज ऑफ स्टेजेस एरिक्शन ने क्या बिलीव किया अभी देखो मैंने स्टोरी वाइज आपको बोली स्टोरी में क्या होता है ना हमेशा हम स्टोरीज को बहुत अच्छे से रिमेंबर करते कहानी को कैसे सुनते हो आप लोग वैसे ही सुनना है ठीक है अभी देखो कैसे बच्चों के जैसा हम सुनते हैं ना कहानी को तो वैसे ही सुनना है तो एरिक्शन का थियोरी में उन्होंने क्या मेंशन किया बहुत सारे स्टेजेस मेंशन किए अभी स्टेजेस में कितने स्टेजेस मैंशन है टोटल एट स्टेजेस मेंशन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए मनुष्य का विकास के लिए कितने स्टेजेस चाहिए एट स्टेजेस चाहिए अभी आर्ट स्तर या आर्ट्स चरणों में ही क्या होता है ह्यूमन का या मनुष्य का विकास होता है अभी एडिक्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कंसीडर्स द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स पेरेंट्स सोसाइटी ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टुड तो एडिक्शन के थ्योरी के अकॉर्डिंग एडिक्शन ने बताया ये जो एडिक्शन का थ्योरी ना आठ जो स्टेजेस है ये आर्ट स्टेजेस में किन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है इम्पैक्ट मीन्स कौन से चीजें हैं या कौन से कारक है फैक्टर्स है जो कि इसको इंफ्लुएंस किया है फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स इन्वायरमेंट हो सकता है फूड हो सकता है देन बिहेवियर ऑफ़ दी अदर पर्सन ऑफ दी सोसाइटी सोसाइटी में जो अदर पर्सन है उनके बिहेवियर्स हो सकते हैं ये जो पीयर ग्रुप्स होते हैं वो सब हो सकते हैं जैसे कि आपने पढ़ा हुआ था कि सोशल डेवलपमेंट में हम कैसे सोसाइटी में अपना <coughs> जो एक स्टैटस है उसको मेंटेन करते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, लेते हैं सोसाइटी में अपने जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप कब करते हो जब आप एक साथ मिलजुल के रहते हो ठीक है राइट right? तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है तो अभी मेंशन किया गया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके साथ पेरेंट्स आपके जो डेवलपमेंट है आप ज़्यादा इमोशनल होंगे या आप ज़्यादा बाहर आ, समाज के साथ मिक्स होंगे मीन्स सोसाइटी के साथ मिक्स होकर रहेंगे या फिर इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग होंगे ये कौन और ज़्यादा इफेक्ट डालता है दैट इज़ पेरेंट्स पेरेंट्स घर पर जैसे बिहेव करते हैं ना उसी अकॉर्डिंग आपके अंदर भी चेंजेस आते हैं एंड लास्टली सोसाइटी तो ये तीन जो चीजें हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स प्लस पेरेंट्स प्लस सोसाइटी मीन्स हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पे बोला है एक्सटर्नल मीन्स बहिर्गत ठीक है बाझी या फिर बहिर्गत तो बहिर्गत जो भी कारक है वो प्लस हम यहाँ पे पेरेंट्स दैट मीन्स हमारे जो माता पिता हैं वो और समाज ये तीनों चीज़ एक दूसरे के साथ मिलजुल के क्या करते हैं हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारा जो एटीट्यूड आता है या फिर व्यक्तित्व का विकास होता है उसमें ये क्या करता है इम्पैक्ट डालता है मीन्स प्रभाव डालता है तो ये चेंजेस कब से कब तक होंगे जो चाइल्डहुड आता है उस पीरियड से स्टार्ट करके एडल्टुड तक चलेगा ये तो बहुत बार पड़ चुका ये हो गया इंट्रोडक्शन वी इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट तो कहीं जाएंगे दैट इज अबाउट एडिक्शन जैसे कि हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मेंशन में में किया था पियाजेज का ऑटोबायोग्राफी या फिर उनका जो स्केच uh, था लाइफ स्केच था उसको हमने मेंशन में में किया था तो वैसे ही यहां पे एडिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हम मेंशन करेंगे क्यों वो बहुत ही फेमस थे ठीक है <coughs> तो एरिक हंबर्ग एरिक्सन उनका नाम पूरा देखिए एच आप मेन्शन कर सकते हैं अदरवाइज एरिकमबर्गर पूरा भी मैं या फिर हाफ मेंशन किया जाता है बर्ग तक भी मेन्शन किया जाता है ठीक है प्रोनाउंस के ऊपर है आप इच लिख सकते हो एरिक हमबर्ग तक लिख सकते हो या फिर एरिक हमबर्गर एडिक्शन लिख सकते हैं तो शॉर्ट में लिखिए इ एच एडिक्शन ये बेटर रहेगा इच एडिक्शन Eh Erickson was a German American development psychologist. So German में भी कुछ time तक उन्होंने अपना psychology के ऊपर work किया था उसके बाद उन्होंने America में भी कुछ time तक psychology के ऊपर काम किया Psychology मीन्स मनोविज्ञान के ऊपर बच्चों का development को लेके तो अभी बच्चों के development के लेके अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा experiment करना पड़ेगा ना बच्चों के ऊपर पर्टिकुलरली बच्चों के ऊपर सो so, हमने ना यहाँ पे डिफरेंट एजेस के बच्चों को लाएंगे एंड <coughs> इस थ्योरी में उन्होंने क्या किया बहुत सारे बच्चों को लाया डिफरेंट एज ग्रुप के एंड उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आया उस चेंजेस को उन्होंने स्टेजेस का नाम दिया चरणों में डिवाइड कर दिया आठ चरणों में भाग कर दिया या विभक्त कर दिया फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टुड बच्चों के उम्र के हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर दिया एंड ही टोल्ड the person experiences psychosocial crisis which could have a positive or negative outcome for personality development unhone bataya ye jo ह्यूमन्स या फिर पर्सनस है ना ये जो लोग हैं अपने एक्सपीरियंसेस जो लेते हैं अनुभव जो करते हैं या फिर ज्ञान जो वो ग्रहण करते हैं हम एज ए एक्सपीरियंस अपना नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं दैट मींस वी गेन आवर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस सो दैट एक्सपीरियंस लीड्स टू साइकोसोशल क्राइसिस साइकोसोशल क्राइसिस मींस आपका अगर एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा तो आप क्या करेंगे कि आपका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा आप में आपका एक्सपीरियंस आपका अनुभव बहुत ही एक चीज में बुरा है तो आप क्या सोचेंगे मेरे साथ हमेशा ही बुरा हो रहा है तो हमारा पर्सनालिटी उसी के बेसिस पे डेवलप करेगा हम कोई भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं बट चेंज नहीं हो पाएगा तो ये हो गया नेगेटिव इम्पैक्ट अगर पॉजिटिव के तौर तो पे चलेंगे तो ऑलवेज आपके साथ गुड थिंक्स होंगे गुड भाइब्स आएंगे ऑलवेज यू थिंक दैट यू कैन डू इट आप कर सकते हो हर एक चीज को सॉल्व कर सकते हो तो ये चीज होता पॉजिटिव तो आपका साइको सोशियल मीन्स आपका दिमाग और उसके साथ समाज ये दोनों को मिला के आपके अंदर एक क्राइसिस आएगा आपके आइडेंटिटी को लेके इसी क्राइसिस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं ये क्राइसिस पॉजिटिव है या नेगेटिव है मीन्स ये जो जरूरत है क्राइसिस मीन जरूरत है ये जरूरत आप में नेगेटिव है या पॉजिटिव है ठीक है ये होता है आपका पर्सनालिटी का रिजल्ट इतना क्लियर है इतना क्लियर है ओके okay, ओके okay. चलो नेक्स्ट अभी देखो मैंने ये पेज को मेंशन किया है ओनली याद रखने के लिए ठीक है शॉर्टकट है पूरा शॉर्ट में मेंशन है जैसे हम लोग हर एक चीज का शॉर्ट बना के रखना चाहिए ठीक है शॉर्ट से क्या होता है ना सपोज आपको कहीं पे एंट्रांस देने जाना है एंड इतना ज़्यादा थ्योरी पढ़ने में आपको टाइम नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे फटाफट से इसको वन टाइम वन मिनट में आपको इसको रिवाइज करना है तो ये रिवाइज हो सकता है इसके लिए हमेशा क्या करना है कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उसका शॉर्ट बना के रखना है जैसे कि वन पेज में वो थ्योरी कंप्लीट हो जाए ऐसे भी करके रखना है जब आप एंट्रांसेस दे रहे हो ठीक है जैसे कि शॉर्ट्स होते हैं हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स रहते थे तो वन पी वन पेज में सारा थियोरीज को मेंशन कर देते थे शॉर्टली ब्रीफली एट ए टाइम सबको पढ़ने के लिए वैसे ही मैंने बी में भी किया था तो आप लोग भी वैसे ही बी में भी करोगे जब एग्जाम में प्रैक्टिस करना हो कम टाइम पे तो वो सब हेल्प करता है तो यहाँ देखिए थोड़ा म्यूट करिए अगर कुछ नहीं पूछना है म्यूट करिए उधर साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा अच्छा वॉइस नहीं आ रहा है चा, चा, ठीक अच्छा यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स दिए हुए हैं देखिए यहाँ पे आपने स्टेज मेंशन कर दी तो आपके पास स्टेजेस कितने हैं टोटल स्टेजेस हैं एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल हो गए अभी आपको एज ग्रुप पता है क्यों, कौन से एज में सब कुछ स्टार्ट होता है दैट इज जीरो हमने जीरो पीरियड से ही सब कुछ स्टार्ट किया था जीरो ईयर एज सो so, जीरो से स्टार्ट हुआ तो जीरो से लेके ये अप टू तक चल रहा है प्लस प्लस पूरे लाइफ साइकिल्स को हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारा कौन सा एज में हमारा पर्सनैलिटी क्या रहता है आप लोग डिसाइड करना है कि आप में वो सब हो रहा है कि नहीं मैंने तो डिसाइड किया था एंड उस टाइप में सोचा भी था एंड डिसीजन भी लिया था तो उस जैसे आप पढ़ते हो ना इस चीज को उससे आप अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस करो तो हो फटाफट सीख लोगे जैसे देखो जीरो से एंड इयर्स साल का बच्चा है तो साइकोसोशियल क्राइसिस इसमें क्या आएगा पहले याद रखो कि ये इनफैंसी पीरियड है ठीक है इनफैंसी पीरियड में आता है अर्ली इन्फेंसी पीरियड तो इसमें आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यहाँ पे जो वर्ड्स मिलेंगे ना आपको तो यहाँ पे दो दो वर्ड्स मिलेंगे तो टोटल वर्ड्स एट स्टेजेसिक एक रहेगा पॉजिटिव में और एक रहेगा निगेटिव में एक रहेगा पॉजिटिव में और एक रहेगा निगेटिव में तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ट्रस्ट को जैसे कि भरोसा ठीक है मिसट्रस्ट हो गया संदेह ठीक है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट तो यहाँ पे वर्च्यू क्या रहता है यहाँ पे आप करना क्या चाहते हो कौन से एक बेसिक पॉइंट के अंदर डिफरेंस आए तो आप एक इंसान को ट्रस्ट करते हो या फिर उसी डिफरेंस को अगर नेगेटिव में देखो तो आप मिसट्रस्ट करते हो दैट इज द होप आप किसी पर्सन के ऊपर होप किए थे कि वो चीज वो कर देगा राइट right. तो वो जब चीज उसको कंप्लीट कर देता है तो आपको पॉजिटिव हाई मिला दैट मींस आप उस पर्सन को क्या कर सकते हो ट्रस्ट कर सकते हो राइट right? अगर वो पर्सन आप जितना होप किए थे उसमें वो नहीं कर पाए एंड वो फेलर हो गया दैट मींस आप उसे मिसट्रस्ट करना स्टार्ट करो संदेह करना स्टार्ट करोगे तो यही होता है डिफरेंस एक छोटा सा चीज़ है डिफरेंस दैट डिफरेंस इज होप ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट के अंदर ये पहला स्टेज है सेकेंड क्या है वन एंड हाफ एज के बच्चे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड स्टेज तो वन एंड हाफ ईयर से ये थ्री ईयर्स तक चलेगा ठीक है थ्री ईयर्स तक तो ये इसको बोलते हैं ना टोडलर एक्चुअली हम लोग यहाँ पे वर्ड्स चेंज कर रहे हैं टोडलर बोलते हैं मिरर इमेज भी यहाँ पे बच्चे करते हैं मिरर एज भी बोला जाता है जैसे कि आप कहीं पे मॉल पे जाते हो तो कोई भी एक छोटा बच्चा आपके साथ जाता है तो वो क्या करता है हमेशा मिरर के सामने रहेगा वो खुद को ही किस करेगा अः अपने इमेज को देख के एंड खुद को ही टाटा करेगा हाई करेगा ऐसे करते रहेगा खुद को ही वो ऐसे देख के उसके बालों को ठीक करेगा ऐसे करते रहता है तो वो चीज होता है मिरर एज तो इस पीरियड को बोलते हैं टोटलर जहाँ पे बच्चा हमेशा क्या करता है कभी मम्मी के साथ ही रहेगा मम्मी के गोद में रहेगा मम्मी के आसपास ही रहता है मदर के आसपास ही रहता है उस एज को हम लोग बोलते हैं टोटल तो ये पीरियड कब आता है बताइए कौन से पीरियड में आएगा ये थोड़ा सा इन्फेंसी का कुछ टाइम लिया है बिकॉज हमारा इन्फेंसी पीरियड खत्म होने वाला था टू ईयर्स में तो दो वर्ष में खत्म नहीं हुआ हमारा इन्फेंसी तो वो चीज़ अभी खत्म होगा कहाँ पे चाइल्डहुड में ये थोड़ा सा आ गया अर्ली चाइल्डहुड का कुछ टाइम ले गया ठीक है तो इस टाइम पे स्टेज का नाम क्या है ऑटोनोमी <coughs> वर्सेस <Autonomy versus same. coughs> तो हम बोल सकते हैं यहां पे ऑटोनोमी दैट मीन सायतत्ता। हम बोल सकते हैं खुद को ही खुद पे डिपेंड होना यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ना क्या सीख लेते हैं पहले पहले हम खुद से खाना खा सकते हैं खुद से पानी पी सकते हैं मम्मा सिखाती है बट वो खुद से करेगा तो ये हो गया तो उसके साथ बनाम हम अगर देखते हैं तो बनाम बोला जाता है हिंदी में तो उसको लिखा जाता है कि उसको अगर कोई बोल दे तुम गलत कर रहा है तो वो बहुत ही उसको लग जाता है या फिर रोना शुरू कर देता है सम से ठीक है तो ये होता है किस चीज के ऊपर इच्छा विल ठीक है इच्छा और रोयल के ऊपर अगर बच्चे इस उम्र में थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हैं उनका मन चाहता है, इच्छा है वो अगर कर लेते हैं तो ठीक है कर, वो आप कर दोगे, ठीक है। अगर उसमें शर्म तो आ जाएगा वो जिंदगी में और चीज ट्राई नहीं करेगा ऐसा हो जाता है छोटे छोटे वर्क में जो वो उस एज में कर सकता था उसके ऊपर अभी चलते थर्ड स्टेज दैट इज दी टू फाइव लिए तीन से पांच साल के बच्चों के लिए है ठीक है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट प्री स्कूलर्स है प्री स्कूलर्स मीन ये बच्चे स्कूल जाते हैं पहले पहले स्कूल जाना सीख रहे हैं एंड यहाँ पे बच्चों में क्या डिफरेंस आता है इनिशिएटिव मीन्स जो पहला काम करता है मीन्स स्टार्टिंग जो करता है प्राथमिक आरंभिक आप जब गाना सीखने जाते हैं या फिर कहीं पे स्कूल जाते हैं तो वहां पे प्री नर्सरी सुनते हैं तो वैसे ये स्टेज है इनिशिएटिव क्योंकि बच्चे वहाँ पे पढ़ना आरंभ किए तो प्रारंभिक और प्राथमिक प्राइमरी और इनिशिएटिव उसका वर्सेस अगर देखें दैट मीन्स उसके ऑपोजिट में एक वर्ड आएगा ना गिल्ट अपराध बोध अपराध बोध यहाँ पे बच्चों को ये सीखना पड़ेगा अगर वो स्कूल जाते हैं तो उनको अच्छा प्रेज मिलेगा दैट मीन्स उनको हम जो भी अवॉर्ड करेंगे अवॉर्ड मीन्स यहाँ पे कोई प्राइजेस या गिफ्ट्स नहीं है यहाँ पे चॉकलेट्स दे सकते हैं छोटे मोटे एवर्ड्स हो सकते हैं चॉकलेट्स दे सकते हो पेन दे सकते हैं हैं पेंसिल्स दे सकते बच्चों को हम कहीं घुमाने ले जाएंगे ऐसा कुछ बोल सकते हैं बट हम बड़े एवर्ड्स के बारे में नहीं जा रहे ठीक है गिल्ट क्या होगा <laughs> अगर बच्चा इस उम्र में बच्चों को हेल्प करना चाहता है एंड वो नहीं कर पाता छोटे बच्चे को ही हेल्प करना चाहता बट वो नहीं कर पाता तो उसके मन में गिल्ट आएगा वो स्कूल में अच्छा करना चाहता है बट वो स्कूल नहीं जा पाता तो उसके मन में गिल्ट आएगा तो इसका मेन जो रीजन होता है ना या पर्पस हम लोग यहाँ पे पर्पस ही बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे भर्च्यू इसको बोला जाता है भर्च्यू मीन किसी एक पॉइंट के ऊपर ये डिपेंड होता है उसी पॉइंट को हम भर्च्यू बोलते हैं जैसे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में होप था ऑटोनोमी वर्सेस सेम में आपका विल था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में आपका पर्पस आएगा पर्पस आएगा पर्पस मीन्स उद्देश्य उद्देश्य अभी नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ स्टेज में दैट इज द स्कूल एज इस पीरियड को बोला जाता है स्कूल एज स्कूल एज में क्या होता है इंडस्ट्री वर्सेस इनफियरिटी इनफियरिटी सो यहाँ पे इंडस्ट्री इंडस्ट्री को हिंदी में बोलते उद्योग उद्योग वर्सेस पर्सस को हम बनाम बोलेंगे एंड इनफेरिटी मींस हिनता आपके अंदर कोई कमी आ जाए तब आप क्या करते हो ना इनफेरियर फील करते हो सुपीरियर मींस खुद को बड़ा सोचना इनफेरियर मींस खुद को छोटा सोचना ठीक है तो ये स्कूल एज में बच्चे हैं सपोज कोई नियम बच्चों ने नहीं माना क्या करेंगे पनिश होना पड़ेगा टीचर्स उनको डांटेंगे टीचर्स उनको डांटेंगे पनिशमेंट देंगे तो उस पीरियड में उनको बुरा लगेगा वो कभी कभी खुद को इतना बुरा थिंक करेंगे कि वो करेंगे। इंडस्ट्री में क्या होता है <coughs> जैसे हैं ना, वन उद्योग <coughs> में जैसे होता है ना डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कम्पिटिशन बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। ठीक है कौन किससे आगे जा रहा है कौन किससे आगे जा रहा उस काम के ऊपर ये लगे पड़े रहते वैसे ही बच्चों में भी ये चीज रहती जैसे कि बच्चे एक साथ कोई काम दिया गया ना तो उसमें भी कंपटीशन करते कि कौन आगे करके दिखाएगा कौन अच्छा करके दिखाएगा उसके बेसिस पे तो ये इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियटी के ऊपर होता है एंड यहां पे जो बज्यू है दैट मींस जो पॉइंट के ऊपर है ये बेस्ड करता है वो होता है कंपिटेंसी सॉरी <coughs> अभी नेक्स्ट स्टेज आता है 12 से 18 मंथ्स का सो so 12 से 18 मंथ्स में आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन सो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में बच्चों को अपने आइडेंटिटी के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ बच्चे अभी एडोलेसेंस पीरियड में जा रहे हैं टीनेज में जा रहे हैं तो अपना आइडेंटिटी क्या है उनसे क्या हो सकता है नहीं हो सकता उसके ऊपर जाते हैं इन बच्चों को बोल दिया जाए कि तुम्हारा आइडेंटिटी ये नहीं है तुम्हारा काम ये नहीं है तो उनमें रोल कन्फ्यूजन आते हैं कि तब मेरा एग्जिस्टेंस क्या है मैं क्यों ये अर्थ में हूँ क्यों मुझे यहाँ पे लाया गया है मेरा काम क्या है मैं क्यों यहाँ पे रहूंगा तो ऐसा चीज आ जाता है रोल कन्फ्यूजन रोल कन्फ्यूजन तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम आइडेंटिटी को बोल सकते हैं पहचान बनाम पहचान प्रसार सी अपने पहचान के प्रति आप कितना बहुत फोकस करते हो या फिर कितना आप सोचते हो उसके ऊपर जान अदरवाइज रोल कंफ्यूजन आएगा तो इसके लिए जो पॉइंट है दैट मीन्स इसका जो वर्च्यू है वो होता है फिडिलिटी और हम बोल सकते फाइडिलिटी तो फाइडिलिटी रहता है कि कोई चीज के ऊपर सत्य के साथ आप काम कर रहे हो कि नहीं सच्चाई के साथ सत्यता कितना है आपके काम के ऊपर आप कोई चीज को सोच रहे हो ठीक है अभी सोचते हुए अगर आपके अंदर <coughs> किसी ने बोला कि ये ये चीज आपने करेक्ट किया दैट मीन्स यू डिड दिस रॉन्ग थिंग बट समाइम्स आपके पेरेंट्स ने बोला नहीं तुमने ये ठीक किया क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड बोलता है तुम ये करोगे तो आपका आइडेंटिटी उस हिसाब से बन जाएगा ठीक है आपको रॉन्ग भी सही बोला गया इसलिए आइडेंटिटी भी वही बन जाएगा तो कौन सा सत्य के ऊपर जा रहे हो कौन सा ट्रूथ के ऊपर आप बिलीव कर रहे हो उसको देख के चलना है अदरवाइज आप रॉन्ग थिंग को भी सही मान के आगे बढ़ोगे ठीक है अभी आता नेक्स्ट स्टेज एटीन टू फोर्टी का एटीन टू फोर्टी में एज में क्या होता है <coughs> <coughs> सॉरी तबीयत आज भी ठीक नहीं है तो इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे जितना होगा देख रहे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन <laughs> इंटीमेसी आप लोग खुद जानते हो इंटीमेसी में आत्मीयता होता है दैट मीन्स हम लोग कितने एक दूसरे से नॉट इंटीमेसी नहीं कि आपका फिजिकल लाइफ के बारे में बताया गया यहाँ पे होता है कि लव एफेक्शन कितना है ठीक है लव एफेक्शन के बारे में बताया गया है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं समाज में आप जब रह रहे हो ना कि एक टाइप का लव एफेक्शन नहीं रहता मदर के साथ आपका लव एफेक्शन अलग टाइप का है वैसे ही लव एफेक्शन आपके फादर के जैसे रहता है फादर के साथ भी रहता है बट अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ आपका लव एफेक्शन अलग रहता है अपने पार्टनर्स के साथ अलग रहता है अपने स्टूडेंट्स के साथ अलग रहेगा तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है ना इसको आप जानते हो इंटीमेसी के थ्रू पे अगर यहाँ पे बोला गया रॉन्ग थिंग पे कि बच्चा खुद से बहुत कुछ अनुभव कर रहा है ठीक है बिकॉज़ ये बच्चे नहीं रहे अभी 18 प्लस हो गए मींस बच्चे से थोड़ा सा वो आगे चले गए अभी एडल्ट हो गए पूरा ही एडल्ट हो गए 18 प्लस आ गए 40 के एज तक तो बच्चे वो नहीं रहेंगे अभी हम लोग जैसे हैं उसी एज में आ गए तो हमारा अभी जॉब भी बन जाएगा जॉब के साथ मैरिज भी करना है शादी भी करना है बच्चे भी लेने सब कुछ करना है तो अदरवाइज अगर मुझे जॉब नहीं मिलता मेरे लाइफ में तो मैं क्या करूँगी हाँ है मुझे मैरिज करना पड़ेगा मैरिज करके फ्यूचर प्लानिंग करना है फैमिली प्लानिंग करना है ऐसा रहेगा अगर वो बॉय रहता मैं अगर एक बॉय रहती तो क्या होता मैं अपना जॉब के लिए परेशान रहता मैं कभी भी शादी नहीं कर पाता एंड मेरे बच्चे भी नहीं होते क्योंकि मैंने शादी नहीं किया ऑब्वियस बात है तो ये से हमें एक टाइप का आइसोलेशन हो गया आइसोलेशन का वर्ड तो अभी के लिए बहुत ही फेमस है बिकॉज क्वारंटाइन क्वारेंटीन क्वारंटीन हम लोग बहुत टाइम सुन चुके हैं तो ये होता है कि अगर आप प्यार से मिलजुल के सबके साथ रहते हो तो आप कैसे रहोगे या फिर आप अगर ऐसा नहीं रहते हो तो अकेलापन में कैसा रहना पड़ेगा ये भी सीखना पड़ता है तो एक साथ रहो या फिर अकेले में रहो तो दोनों के अंदर क्या चीज है कौन सा बच है लव प्यार अभी में आते <coughs> 40 से 65 के लिए मिडिल वाले हैं ठीक है मिडिल एज वाले एडल्ट अभी जैसे कि फोर्टीज में आपके पेरेंट्स होंगे फोर्टीज में आपके मदर होंगे तो फादर होंगे फिफ्टीज में ऐसे वाले एज ग्रुप वाले भी होंगे यहाँ पे तो वैसे भी है तो उनके लिए क्या आता है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन दैट इज उत्पादकता बनाम स्वयं अवशोषित होना सीखना है कि कैसे आप सबके लिए बेनिफिशियल हो जैसे फोर्टी से सिक्सटी फाइव एज में आपका जॉब का जो लिमिट रहता है ना वो खत्म हो जाता है आप जॉब कर चुके हैं सारे पैसा इनकम सब कुछ लाइफ में कर लिया अभी क्या है आपको धीरे 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 सीखना पड़ेगा कि आप कैसे सबको केयर कर रहे हो सबको ख्याल रखे हो पैसा दिए हो सबका डिसीजन लिए मनी दिए सब कुछ दिए अभी क्या काम है आपको अकेले रहना है एंड इस टाइम पे आपको केयर चाहिए उल्टा ठीक है इसके अंदर डिफरेंस क्या है केयर <coughs> अभी लास्ट आता है सिक्सटी फाइव सो सिक्सटी फाइव वाले जो लोग हैं ना ये हो गए ओल्ड एज वाले तो जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं उन एज के हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस डिस्पेयर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर ये डिसपियर नहीं है डिस्पायर है तो यहाँ पे ईगो इंटीग्रिटी भरसेस जो डिस्पेयर है डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा एंड ईगो इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकीकरण मीन्स खुद के ही बारे में हम लोग अभी सोचते हैं बिकॉज और सोचने का अवस्था नहीं रहता हम बहुत ही ओल्ड हो चुके होंगे तो हम सोच नहीं सकते तो इस टाइम पे क्या होता है ना एक ही चीज आता है दैट इज द दीन्स आपको ना पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस हो चुका है आपने इतने स्टेजेस को पार करके आए हो पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया तो इतने जो पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया उसी एक्सपीरियंस से आप क्या करते हो सारे अपने जो नेक्स्ट जेनरेशन रहते कमिंग रहते उनको आप हेल्प करते हो कि एक्सपीरियंस देते हो कि ये सब करो ठीक है इसी चीज को अभी पढ़ोगे अंदर में इतना समझ आया कुछ डिटेल बिट कुछ समझ आया आई मुझे तो पता है मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम हुआ होगा आप लोगों को सुनने में फिर भी मैं पूछूं थोड़ा बहुत कुछ समझे अंदर में चलेंगे अभी डिटेल चलेंगे इतना समझे चलो स्टेज वन में आता है स्टेज वन में हमारा क्या था फर्स्ट था हमारा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट अभी फटाफट हो जाना चाहिए बिकॉज बहुत ईजी है हो चुका है ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ आपको किया क्या है तो यहाँ पे कितने साल से कितना एज तक आएगा जीरो टू दे रहा है आपको अगर एक बच्चे को केयर देते हो तो केयर लेते हुए बच्चा आपसे बहुत ही ज्यादा क्या करता है बहुत ही ज्यादा डिपेंड करने लगता है बच्चा आपसे बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है राइट right. जैसे कि मदर के साथ होता है या फिर फादर के साथ या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ बिकॉज़ आपने इतना ज्यादा केयर दिया तो वो उतना ज्यादा आपके क्लोज हो गया सो दैट इज कॉल्ड द ट्रस्ट उस बेसिस पे बच्चे ने ट्रस्ट किया आपको क्योंकि जीरो टू वन एंड हाफ इयर्स के एज में छोटा बच्चा है वो ट्रस्ट किस पे करेगा कौन से बेसिस पे आपके केयर के बेसिस पे करेगा कि आपने कितना केयर दिया उसी चीज के बेसिस पे वो किया इफ ट्रस्ट डेवलप सक्सेसफुली द चाइल्ड गेन कॉन्फिडेंस अगर ट्रस्ट बहुत ज्यादा हो गया दैट मीन्स बच्चे ने सोच लिया कि ट्रस्ट वो कर पाएगा बिकॉज आप अच्छे पर्सन हो आप ऑलवेज उसको केयर करते हो प्यार करते हो रखते हो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा एंड प्लस क्या होगा ना सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड अराउंड दैट मीन्स बच्चा ऐसा फील करेगा कि वो अकेला नहीं है उसके सराउंडिंग में सिक्योरिटी है दैट मीन्स वो प्रोटेक्टिव एक बाउंड्री के अंदर रह रहा है हमेशा ऐसे जगह पे है जहाँ पे कोई उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता कोई मार नहीं सकता कोई हार्म नहीं कर सकता ऐसे जगह पे है तो उस पीरियड को हम मैंशन करते हैं कि ये सेफ्टी जोन है सेफ्टी जोन ट्रस्ट जोन है ट्रस्ट जोन के बाद ऑन दी अदर हैंड अगर ऑपोजिट में देखें इफ द चाइल्ड इज अनेबल टू मेक ट्रस्ट अगर बच्चे का उतना ट्रस्ट नहीं बढ़ता है वो आपको देख के सोच नहीं पाता है कि ये ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं क्योंकि आप कभी कभी उसको प्यार दिखा तो हमेशा मारते हो पीटते हो छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं तो वो आपसे डरेगा यही रीजन होता है मिसट्रस्ट का मिसट्रस्ट So, उसमें क्या क्या आएगा फियर आएगा एंजाइटी आएगी एंड इनसिक्योरिटी भी आएगा उसके सराउंडिंग में यही हो गया ये फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज देखो द पीरियड ऑफ ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट कहीं कहीं पे ना सेम भी मेंशन है कहीं कहीं पे डाउट भी आता है तो ये दोनों वर्ड एक साथ रहता है क्योंकि आपको सेम कब आता है <coughs> जब आपको डाउट आता है सो ड्यूरिंग दिस स्टेज

स्वयं जो करता है ना ऑटोनोमी जहाँ पे वर्ड सुने तो स्वयं सत्ता के ऊपर आता है means, वो खुद से जो जो कर रहा है, उसके ऊपर करेगा अभी अगर वो चीज नहीं होता है बच्चों को इंडिपेंडेंसी मिला वो बहुत ही फ्री हो गए फ्रीडम के साथ बाहर खेलना जा रहे <coughs> अगर वो नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगे ऑपोजिट वो डिस्करेज हो जाएंगे वो जिन पे बिलीव करके बाहर गए थे खेलने के लिए अगर वैसा पर्सन वो नहीं निकला उनके पेरेंट्स वैसे नहीं निकले एक्सेसिवली वो बच्चों के ऊपर क्या किए रोक टोक करने लगे रूल्स रूल्स बना इतने आ, रूल्स के अंदर ही तुमको जाना है खेलना है आना है घर पे रहोगे ऐसे ही बचपन से ही कर दिया गया तो बच्चे क्या होंगे ऑन पेरेंट्स पेरेंट्स के ऊपर एक्सेस डिपेंड करना स्टार्ट करेंगे एंड मे डेवलप फीलिंग्स ऑफ सेम And वो भी करना, कौन सा स्टार्ट करेंगे? Same. पहचान ऐसा कुछ नहीं है मेरा आइडेंटिटी कुछ नहीं है तीन साल का बच्चा है फिर भी वो जान जाता है कि वो बॉय है या गर्ल है ये चीज घर से नहीं होता है ये चीज अगर वो सोसाइटी में जाता है सोसाइटी में जिन लोगों के साथ वो खेलता है दैट मीन्स वो अगर बॉय है तो बॉय के साथ खेलेगा गर्ल है तो गर्ल के साथ खेलेगा इस बेसिस पे ही डिफरेंसेस आते हैं अभी देखो नेक्स्ट <laughs> अभी तीन से छ साल का बच्चा है तीन से छ साल के बच्चों में कौन सा स्टेज आया था इनिशिएटिव एंड गिल्ड इनिशिएटिव मीन्स आरंभिक और प्रारंभिक और दैट इज द प्राइमरी और स्टार्टिंग बोल सकते हैं आरंभ करना कोई चीज को तो बच्चे अभी प्री स्कूलर हैं स्कूल जाते हैं क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं अपने चीजों को जो उनको नीड है प्लान्स बनाते हैं एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं कोई भी कार्य हो ना उसको करने के लिए वो स्टेप वाइज में जाते हैं थोड़े थोड़े काम को करते हैं कोई गेम्स खेलते हैं खिलौने के साथ कहीं पे बच्चों के साथ एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड काम करते हैं इफ इट <laughs> रुको एक मिनट इट गिव्स दिस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे गिव्स होगा गिवन नहीं होगा गिव्स होगा इट गिव्स दिस अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव थोड़ा सा यहाँ पे लाइन रॉन्ग है ठीक है गिवन हो गया तो इसलिए वजह से पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो गया इट गिव्स दिस अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन व्हिच डेवलप्स ए सेंस ऑफ इनिशिएटिव इन दैट उनमें इनिशिएटिव वाला मीन्स मैं स्टार्ट कर सकता हूँ मैं कोई चीज को लीड कर सकता हूँ अगर उनमें ये डेवलप हो गया दैट वो वो सिक्योर फील करेंगे क्योंकि खुद से कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं इनकेस अगर बच्चे क्या हुए डिस्करेज हो, हो गए उनको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया कि तुमने जो आरंभ किया जो तुमने स्टार्ट किया ना वो गलत है वो ठीक नहीं है वो गलत है वो ऐसा होगा नहीं तो उनमें गिल्ट वाला फीलिंग्स आएगा जो सम वाला था ना वैसा ही है गिल्ट वाला, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने कर दिया तो ऐसा चीज उनमें बहुत आता है बच्चों में ये चीज बहुत ही ज्यादा ही आता है कि अगर उनसे कोई गलत हो जाए गलती हो जाए तो उनमें ये फीलिंग्स आ जाती है वे नेक्स्ट स्टेज में चलते

कोई चीज अगर वो अच्छा कर लेते हैं तो उनमें उनको प्राइड फील होता है कि नहीं मैंने ये चीज कर दिया तो ये बहुत ही पॉजिटिव थिंग है मेरे से हो गया तो उनको ना कंपटीशन में हो आ जाते हैं कि मैं पहले कर दिया तो मुझे बहुत लग रहा टीचर्स ने आज मुझे प्रेज किया तो ये मेरा पॉजिटिव थिंग है तो वो उनका अचीवमेंट है तो ये हो गया इंडस्ट्री वाला फीलिंग ठीक है अगर इस टाइम पीरियड में टीचर्स का रोल ना बढ़ जाता बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो ड्यूरिंग दिस टाइम टीचर्स प्ले एन इंक्रीज रोल इन द चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चों के लिए इंक्रीज रोल प्ले करता है इंक्रीज रोल मीन्स थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाएगा हर एक दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा अगर टीचर ने यस बोला तो हो गया अगर नो बोला तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा इन्फ्यूरिटी मीन्स मुझे थोड़ा सा नेगेटिव वाला फीलिंग आएगा बुरा लगेगा ऐसे वाला फीलिंग ये चिल्ड्रन आर एनकरेज फॉर देयर इनिशिएटिव। उनके काम के लिए उनके जो स्टेप्स होते हैं उनके लिए उनको हमने प्रेज कर दिया ना तो उनमें क्या आएगा इंडस्ट्रियस वाला फीलिंग आ जाएगा दैट इज जैसे जैसे लगा रहता है आगे आगे बढ़ना आगे बढ़ना ऐसे आगे बढ़ने का जो गेम लगा रहता है ना उसमें जैसे कोई भी इंडस्ट्री आगे बढ़ जाए तो उनको हैप्पी मिलता है हैप्पीनेस मिलती जाती है तो वैसे ही यहाँ पे बच्चों को भी मिल जाएंगे अगर हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ये जो इनिशिएटिव था उसको हमने डिस्करेज कर दिया नॉट एनकरेज नॉट एनकरेज बाई दी पेरेंट्स और डिस्करेज कर दिया रेस्ट्रिक्टेड कर दिया रोक टोक कर दिया कि तुम आगे नहीं जा सकते तुम्हारा काम अच्छा नहीं है तो उनमें क्या आएगा वो कभी भी और गोल को उनका जो अचीवमेंट था उसको वो पा नहीं सकते एंड उनसे और कुछ भी हो नहीं पाएगा तो यहाँ पे इन्फेरिटी वाला फीलिंग आएगा तो <coughs> नेक्स्ट <coughs> <coughs> so चलते स्टेज फाइव द पीरियड ऑफ परिचय क्या है आपको अपना के बारे में सीखना है. आपका क्या है आप कब जानना चाहते थे आप जब टीन एज में आए जब हम किसरा वस्ता में आएंगे उस टाइम पे हमें क्या करना है अपनी आइडेंटिटी के बारे में जानना है कि मैं कौन हूँ तो ड्यूरिंग देंज फ्रॉम

तो ये सारा चीज उनमें एक सेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलप करता है अगर ये चीज हो गया तो आइडेंटिटी बन गया अगर नहीं हुआ तो रोल कंफ्यूजन रहेगा कि मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया इतना ही होगा चलो स्टेज द पीरियड ऑफ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन ये बीस से पैतालीस दैट इज ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव एज बच्चों के लिए है ये बच्चे नहीं रहे और दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सारे एडल्टुड में आ गए तो so, तो में अगर इनको रखा जाए तो ये क्या करेंगे फैमिली अपने फैमिली को बढ़ाएंगे जॉब करेंगे अपने मैरिड लाइफ को और ज्यादा प्रोग्रेस कराएंगे अच्छे से जैसा स्पेंड कर सके वो सारे तो ड्यूरिंग द स्टेज इंडिविजुअल ट्राइज टू डेवलप ये क्लोज रिलेशनशिप विध another person person and we try to have longer relationship with someone other 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 than a family member. Marriage other person, other family, person marry marriage family member marriage हमारे घर पे लाते हैं या फिर हम जाते हैं ऐसे ही होता है यहाँ पे हमारा फैमिली है दूसरे फैमिली का कोई मेम्बर को जिन्हें हम नहीं जानते उन्हें हम लाते उन्हें ला हम क्या करते हैं एक साथ रहते हैं उनके साथ रहते हैं लॉन्गर पीरियड तक फैमिली मेंबर करके इफ दिस स्टेज कंप्लीट सक्सेसफुली ट्रस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट इज डेवलप्ड इन इंडिविजुअल एवॉइडिंग इंटीमेसी इन दिस स्टेज डेवलप्स आइसोलेशन अगर इंटीमेसी नहीं रहा दैट मीन्स प्यार नहीं रहा एफेक्शन नहीं रहा देन क्या होगा आइसोलेशन हो जाएगा तो आइसोलेशन मीज हम अलग हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे जैसे कि डाइवोर्स वाला केसेस होता है अगर प्यार रहेगा रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छा रहेगा तो हम अच्छे से रहेंगे अदरवाइज हमारा अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो हम अलग हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है आइसोलेशन होने से लोनलीनेस एंड डिप्रेशन आता है डिप्रेशन एंड लोनलीनेस अकेला रहना है तो अकेलापन आएगा डिप्रेशन में हम रहेंगे बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है स्टेज सेवन द पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्टैग्नेशन पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्टैग्नेशन में क्या होता है देखिए फोर्टी फाइव से सिक्सटी फाइव या फिर बोल सकते हैं नियर अबाउट फोर्टी प्लस से ये सिक्सटी फाइव तक चलेगा ये मिडिल एडल्टुड वाला पीरियड है इसमें क्या होता है ना हमारा जो कैरियर रहता है यहाँ पे कैरियर स्पेलिंग भी रॉन्ग है ये हमारा वाला कैरियर होगा जो हमारा फ्यूचर है उसके अकॉर्डिंग होगा स्पेलिंग ये तो उसने बहुत गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग नहीं देखा था मुझे उसने पीडीएफ भेजा मैंने तो मैंने आपको सेंड किया ओनली तो कैरियर वाला स्पेलिंग थोड़ा सा स्पेलिंग सारे करेक्ट करिएगा अदरवाइज करेक्ट वी डेवलप ए कैरियर परमानेंट रिलेशनशिप मेक आवर फैमिलीज एंड बिकम ए मेम्बर ऑफ सोसाइटी तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक साथ रहते अपना कैरियर बनाते फ्यूचर बनाते अपना फैमिली बनाते हैं हम एक साथ रहते सोसाइटी में मिलजुल इन दिस स्टेज वी ट्राई टू पार्टिसिपेट इन सोशल इवेंट्स अगर सोसाइटी में कुछ भी इवेंट्स होते हो हैं या फिर एक साथ रहने का पार्ट लेने का अपने नेशन के लिए कोई काम करने का इसलिए ठीक है अगर ये नहीं होगा तो हम स्टेग्नेशन हो जाएंगे दैट मीन्स हम फिर से अकेलेपन में चले जाएंगे ये अकेलापन पहले वाले अकेलेपन से बहुत ही अलग है because आपका एज ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया ठीक है 65 एज में आ गए हो आप अकेले रहना शुरू कर दोगे इस टाइम पे कोई अगर आपका फैमिली नहीं बना आपका जॉब नहीं बना कैरियर नहीं बना तब लास्ट पीरियड द पीरियड ऑफ ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस तो यहाँ पे डिसपियर वाला डिसपियर नहीं है डिस्पेयर होगा ये डिस्पेयर है अगर सेपरेट करके पढ़ोगे तो डिसपियर लगेगा तो डिस्पेयर तो डिस्पेयर होता है नॉर्मली डिस्पेयर वन काइंड ऑफ क्या है बोल सकते हैं कि अगर हम अकेले रहना शुरू करते हैं ना अकेले रहना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे ऑलवेज थिंक करेंगे कि हमसे और कुछ नहीं हो पाया हम बहुत एज हो गया है ओल्ड एज में आ गए हैं हमारा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है तो उससे हम डिसपियर मीन्स होता है कि हम यहाँ पे कभी कभी वर्ड यूज होता है डिसपियर वाला भी तो वो होता है कि डेथ हो गया वहाँ का डिसपियर का मतलब होता है डेथ हो गया ये डेस्पेयर है डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा मीन्स हम इतना लो फील करेंगे इतना लोनली फील आएगा कि हम उसी में ही डेथ हो जाएगा हमारा ठीक है अनसक्सेसफुल लाइफ जिसे बोलते हैं अनसक्सेसफुल लाइफ

सक्सेसफुल लाइफ होगा तभी प्राउड फीलिंग आएगा अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो आप क्या करेंगे डिस्पेयर हो जाएंगे दैट मीन्स निराशा आ जाएगी आप में ये निराशा आपको अनसक्सेसफुल लाइफ के लिए आ रहा है अनसक्सेसफुल लाइफ के लिए बिला ठीक है जैसे कि हमारे पेरेंट्स में कभी कभी आ जाता है अनसक्सेसफुल लाइफ के वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्पेयर हो जाते हैं एंड उसके लास्ट पॉइंट में ही आता है कि वो डिसअपियर होंगे दैट मीन्स उनका डेथ होगा ऐसे होता ही है ये पूरा लाइफ साइकिल हमें बताता है और कुछ नहीं तो बेस्ड ऑन एरिक्शन स्टेज ऑफ ऑटोनोमी वर्सेस सेम यहाँ पे आप इन रिलेशन टू एरिक्शन थियोरी आप कुछ कुछ सिलेक्ट करके लिखोगे क्योंकि ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि अगर ऑटोनोमी वर्सेस सेम पे जाते हैं या डाउट पे जाते हैं वी कैन एजुकेटेड बाई डेवलपिंग ट्रस्ट विद स्टूडेंट्स अगर बच्चों में हम क्या ट्रस्ट डेवलप करवा देते हैं है? याद रखने के लिए फिर से चलो वापस थर्ड स्टेज के ऊपर आएगा दट इज सेकेंड स्टेज सेकंड स्टेज कौन सा है डेढ़ साल से तीन साल तो उस टाइम पे बच्चों में क्या होता है ना ट्रस्ट नहीं रहता है किसी के ऊपर तो अगर बच्चों में ट्रस्ट डेवलप कर दिया जाए कि जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा है आप एक्सपीरियंस जो भी अपने लाइफ में करोगे वो भी अच्छा है आपको डाउट आना चाहिए बट आपको कभी भी सन या सेम फील नहीं होना चाहिए तो ये अगर फील हो गया तो आप फ्यूचर में भी वही नेगेटिव सोचते रहोगे ठीक है तो ट्रस्टिंग करेंगे अपने एनवायरनमेंट को भी केरिंग करेंगे केरिंग करते हुए अपने society, family सब को करेंगे, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। और एक point क्या आया? इन रिगार्ड टू द स्टेज ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में बच्चे क्या करे थे प्रारंभिक स्टेज में आते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ये आपका थर्ड स्टेज है थर्ड स्टेज में बच्चे को अलाउ किया गया कि वो डिस्कवर करें न्यू न्यू थिंग्स को न्यू थिंग्स को सकता है करेंगे ये तो नहीं है ना फेलर भी होंगे कभी कभी तो वहां पे ये भी विलिंगनेस रहना चाहिए कि आप फेलर होंगे तो नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा इन्वेंशन आपके थ्रू होगा आप और ज्यादा कुछ करोगे तो दिस एनवायरनमेंट में डेवलप ग्रेटर विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग्स बच्चों में ये डेवलप कराता है कि आपका जो ग्रेटर विलिंगनेस है आप जितना चाहोगे आपका विलिंगनेस विलिंग पावर जितना इंक्रीज करेगा उतना आप आगे बढ़ोगे उतना आप ग्रो करोगे नए नए चीजों को समझोगे ड्यूरिंग <coughs> दिस टाइम टाइम में डेवलप एंजाइटी एंड गिल्ट अगर आपको उस पे कोई भी क्रिटिसाइज कर देता है जैसे होता है ना नकारात्मक चिंता भावना आपके अंदर कोई भी नेगेटिव वाला थॉट्स डाल दे कि तुमसे नहीं हो पाएगा तुम ये जो भी कर रहे हो गलत है ये चीज कोई डाल दे तो आप में गिल्ट वाली फीलिंग आएगी आपको एंजाइटी आएगा गुस्सा आएगा आपको करने का मन नहीं होगा ठीक है नए चीज भी आप नई सीखोगे ओपन एक्सप्लोरेशन और आइडियाज लीड टू डिस्कशन कैन फोस्टर ए पॉजिटिव लर्न अगर आप ओपन एक्सप्लोरेशन करोगे मींस हमेशा छानबीन करते रहोगे जानना है ऑलवेज डब्ल्यूएच क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए तब जाके आपको न्यू आइडियाज मिलेंगे उसके थ्रू आपका डिस्कशन लेवल भी और ज्यादा फोस्टर होगा मींस ग्रो करेगा और भी ज्यादा पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट रिलेटेड और भी ज्यादा बढ़ेगी उसके साथ आपको सपोर्ट मिलेगी कि आप कोई चीज में भी स्टार्टिंग कर सको इनिशिएटिव ले सको स्टार्टिंग कर सको लर्निंग करने के लिए या इनिशिएटिव प्रारंभिक अवस्था में पैर रख सको ठीक है